25वें रोज भी श्रीनगर के कई इलाकों में अब भी नाफिज है दफा 144। बुरी तरह मुतासिर है रोजमर्रा जिंदगी, मुआसलाती निजाम भी अब तक नहीं हुआ बहाल। सख्त दुश्वारियों का लोग कर रहे हैं सामना, नज्म व नस्क बरकरार रखने हसास मकामात पर है अलर्ट पर हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार लद्दाख दौरे पर पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पाकिस्तान और चीन की सरहदों में हिफाजती बंदोबस्त का लेंगे जायजा। किसान जवान विज्ञान मेला प्रोग्राम का भी किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बाद सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी रवाना हुए कश्मीर, दोस्त यूसुफ तारीगामी से मिलने जा रहे हैं येचुरी। सीपीआईएम लीडर और साबिक रुकन असेंबली है यूसुफ तारीगामी। आज स्पोर्ट्स डे के मौके पर दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। वजीर आजम मोदी ने फिट इंडिया मुहिम का किया आगाज। वजीर आजम मोदी ने योग, खेल कूद और कसरत के जरिए फिट और तंदुरुस्त रहने की दी हिदायत। बिहार के नरकटियागंज में जेडीयू रुकन पार्लियामेंट ने पार्क की बेवकूफी और हिमाकत की इंतहा। सीधा प्लेटफॉर्म पर पार्क कर दिया कार, फिर रेलवे पटरियों पर भी लग्जरी कार लेकर निकल पड़े रुकन पार्लियामेंट, मजबूरन रोकनी पड़ी मालगाड़ी। मुल्क के बावकार ओहदे पर फाइज रुकन पार्लियामेंट का कानून की धज्जियां उड़ाने पर चौतरफा की जा रही तनकीद। अब आजम खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, 29 मामलों में पेशगी जमानत की अर्जी को जिला अदालत ने किया खारिज। आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से किया अपील, आज हो सकती है सुनवाई। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए कर रही है छापेमारी कार्रवाई। आईबी ने इलाके में दहशतगर्दी के वाकयात का जाहिर किया था इम्कान। दिल्ली से हैदराबाद जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। हरियाणा के बल्लभगढ़ में सुबह करीब 8 बजे पेश आया हादसा। कर्नाटक भटकल तालुके का मशहूर और मारूफ सियाती मकाम नितरानी जजीरे का हिंदुस्तान और दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं है कोई वजूद। पूरे हिंदुस्तान में स्कूबा डाइविंग के लिए पहले नंबर पर है नितरानी जजीरा, लेकिन किसी भी नक्शे में नहीं है कोई सबूत। जजीरों से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों के मुताले के बाद ही मुनासिब फैसला लेने की डीसी ने कराई यकीनदानी। भटकल तालुके के मुंडेश्वर में एक नौजवान आशिक जोड़े ने की खुदकुशी की कोशिश, लड़के की हुई मौत तो लड़की की हालत बताई जा रही नाजुक। दोस्तों को फोन कर खुद लड़के ने मनकी के जंगल में जहर पीकर खुदकुशी करने की दी थी खबर। घर वालों की मुखालिफत के सबब इंतहाई इकदाम का जताया जा रहा है शुबा। गजा में 2 पुलिस चौकियों पर किए गए खुदकश हमले, 3 फलस्तीनी पुलिस एहलकारों की हुई मौत, मुतअद्दिद बताए जा रहे हैं जख्मी। धमाकों के बाद गजा में नाफिज की गई इमरजेंसी। रूस और तुर्की के दरमियान बढ़े मजीद दोस्ताना ताल्लुकात, तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में की मुलाकात। जदीद तकनीक से आरास्ता तैयारों को भी रूस से खरीद सकता है तुर्की। तुर्की और रूस शामी सूबे इदलिब में फौजी कशीदगी में कमी लाने और सूरतहाल को मामूल पर लाने के लिए इजाफी इकदाम का जताया आज़्म।